नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है, और जो हाल ही में एग्जाम करवाए गए थे संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा सेकंड ग्रेड के, उसमें जीके वाले पेपर में इस टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए, ESO एग्जाम्स के लिए और BSTC एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, पास में बेल आइकन जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में मुख्यमंत्री सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन है, ये है डॉक्टर गोविंद शर्मा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है, तब इसका आंसर होगा अरविंद मायाराम। तो ये दोनों फैक्ट आप जरूर ध्यान रखें। अगर आर्थिक सलाहकार का पूछे तो अरविंद मायाराम, और सिर्फ अगर ऐसा पूछे कि मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन है तो वो है डॉक्टर गोविंद शर्मा। थोड़ा सा नीचे दो और फैक्ट दे रखे हैं, RSSB के अध्यक्ष कौन है, ये है बाबूलाल जाटावत, और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है, ये है विज्जू भाई जोसेफ। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री है सचिन पायलट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। सचिन पायलट के पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं, ये और किन किन मंत्रालय के मंत्री हैं, ये हैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री, इसके अलावा पंचायती राज मंत्री यही हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी सचिन पायलट ही हैं। तो ये चार विभाग सचिन पायलट के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। और सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं DB गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रकाश टाटिया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आप साथ में जरूर ध्यान रखें कि राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे KRadhakrishnan। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी मैंने एक स्लाइड में ले लिया है ताकि ये आपको ध्यान में रहे। आगे देखते हैं फिर, वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री हैं अशोक गहलोत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अशोक गहलोत और किन किन विभागों के मंत्री हैं, तो ये हैं गृह और न्याय मंत्री, और कार्मिक विभाग के मंत्री भी अशोक गहलोत ही हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत ही हैं। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आपको ध्यान रखने हैं, और आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है जनार्दन सिंह गहलोत। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं दीपक उप्रेती। तो RPSC से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैंने सभी इस स्लाइड में लिए हैं। फर्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दीपक उप्रेती है। और अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर SK घोष। सेकंड का पूछे तो SC त्रिपाठी। और एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि RPSC के ऐसे कौन से अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था DS तिवारी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं प्रेम सिंह मेहरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा, पहले थे अमर सिंह राठौड़। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया कि राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, तो ये है आनंद कुमार। और ये इनसे संबंधित एक दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, तो वो है आनंद कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ज्योति किरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इनसे पहले जो चार वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे कृष्ण कुमार गोयल, सेकंड के रहे थे हीरालाल देवपुरा, थर्ड के रहे थे माणिकचंद सुराणा, और फोर्थ के रहे थे BD कल्ला। तो इन पांचों के नाम आपको याद में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और इनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये हैं सुरेश चौधरी। और CM सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अशोक गहलोत। 20 सूत्री कार्यक्रम के भी अध्यक्ष अशोक गहलोत ही हैं। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है?
तो राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे तीन और फैक्ट दे रखे हैं कि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, ये है अरुण शाश्वत। राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, ये है अशोक परमानी। और राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, ये है महेश इनाडी। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, तो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता हैं महेंद्र सिंह सिंघवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 165 में, यहाँ पर नीचे दे रखा है। और महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे की ओर चलते हैं, आगे दे रखा है राजस्थान के 12वें लोकायुक्त कौन थे, तो राजस्थान के 12वें लोकायुक्त थे सज्जन सिंह कोठारी। हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सज्जन सिंह कोठारी राजस्थान के 12वें लोकायुक्त थे। फर्स्ट और सेकंड कौन थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थे आईडी दुआ और सेकंड थे डीपी गुप्ता। तो ये फैक्ट और जो 12वें लोकायुक्त थे सज्जन सिंह कोठारी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आगे की ओर चलते हैं, आगे दे रखा है वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रकाश टाटिया। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर हम इनसे पहले की जो भी अध्यक्ष बने उनकी बात करें, तो फर्स्ट अध्यक्ष रहे थे कांता कुमारी भटनागर, सेकंड सैयद सगीर अहमद, थर्ड नगेंद्र कुमार जैन और फोर्थ एच आर कुड्डी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रहे थे। तो इन चारों का नाम और फिफ्थ नंबर पर प्रकाश टाटिया, इन पांचों का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। इनसे संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ पर मुख्य सचिव दे रखा है, तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में, तो डीबी गुप्ता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या आप ध्यान रखें। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं, आगे दे रखा है वर्तमान में सुरेश कुमार चौधरी के पास कौन सा पद है, तो वर्तमान में सुरेश कुमार चौधरी के पास जो पद है वो है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें कि सुरेश कुमार चौधरी से पहले राजस्थान के कितने सूचना आयुक्त रह चुके हैं मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये रह चुके हैं दो। इनसे पहले दो कौन रहे, ये है एम डी कारोनी और सेकंड टी श्रीनिवासन। तो इन दोनों का और थर्ड नंबर सुरेश कुमार चौधरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये तीनों राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रहे हुए हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है एस रविंद्र भट्ट का संबंध किससे है, तो एस रविंद्र भट्ट का संबंध है राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है एस रविंद्र भट्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के। अगर हम बात करें कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, ये रहे थे कमलकांत वर्मा। और सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, ये रहे थे पंचू। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर 1958 में जोधपुर स्थापित किया गया था। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट हैं मैंने एक ही स्लाइड में लेने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो आपका आंसर आपको आना चाहिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।